तो फाइनली गाइज आपको इस वीडियो में मैं यहाँ पर प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा आपको प्रैक्टिकल कैसे करना है। यहाँ पर लिखा है साइटोनिमा, बॉटल में लिखा है साइटोनिमा, बट ये साइटोनिमा नहीं है, ठीक है, आपको बता दें साइटोनिमा नहीं है। यहाँ पर गलत इस पर चस्पा कर दिया है कंपनी के माध्यम से। इसके अंदर जो मटेरियल है वो स्पायरो गायरा का है। इसको अभी मैं आपको स्लाइड पर रख करके अब बताऊँगा कि स्पायरो गायरा कैसे आपको स्लाइड बनानी है और उसके अंदर वो दिखता कैसे, उसकी सेल वगैरह कैसे दिखती है, इसका पूरा जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। बस आप लोग को करना क्या, हमारे साथ बने रहना है। स्लाइड इसकी कैसे बनानी है वो पूरा मैं आपको सिस्टम तरीके से बता रहा हूँ। ये आपके सामने स्लाइड है, आपके पास भी होगा, और इस तरीके से आप फोरसेप ले लीजिए। फोरसेप के माध्यम से भी आप स्लाइड पर मटेरियल ढक करके और कवर स्लिप ढक करके आप बना सकते हैं, दिखा सकते हैं। इसको मैं करके आपको दिखा रहा हूँ, ओके। बहुत ज़्यादा इसमें केमिकल्स या कंटेंट की ज़रूरत नहीं है। सिंपल तरीके से आप एक स्लाइड लेंगे और यहाँ से मटेरियल निकालेंगे। आपके पास ड्रॉपर होगा, ड्रॉपर से भी आप निकाल के रख सकते हैं, ठीक है। और अब इसको थोड़ा सा करना क्या है, ऐसे इसको चारों तरफ फैला देना है। इसके जो फिलामेंट हैं इसको आप चाहते हैं तो कलर भी कर सकते हैं, अगर आप कलर नहीं करेंगे तो भी हो जाएगा ये, ओके। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, आपके पास कवर स्लिप होगी, आप कवर स्लिप भी ढक सकते हैं। अगर नहीं है कवर स्लिप तो कोई दिक्कत नहीं, इसको कलर वगैरह करने के, अगर पहली बार आप कर रहे हैं तो कलर कर लीजिएगा, स्टेन कर लीजिएगा इसको कॉटन ग्लू से, नहीं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट हम इसको अब आपको माइक्रोस्कोप में चले लेकर चलते हैं और उसमें लगा के आपको हम दिखाते हैं।